हमारे टाइम की क्रांति है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2020 के अंदर ये बात शुरू होगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर 2020 के बाद शुरू होगी। क्यों शुरू होगी? क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को कोई भी बात 20 साल से पहले समझ आती नहीं, कोई भी बात 20 साल से पहले समझ में आती नहीं है, और जब 20 साल बाद कोई बात समझ में आ जाए तो फिर वो दिल से कभी जाती नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग को सन 98 के अंदर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई है, और आज सन 2019 चल रहा है, जाने की हमने 20 साल पूरे कर दिए हैं, 20 साल हमने पूरे कर दिए हैं। और आज से 2003 में मेरे को बोला जाता था, पवन जी 2020 के अंदर, 2020 के अंदर आपके जूते पहने होंगे तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी पहने होंगे, आपने जुराब पहनी होगी, अंडरवेयर पहना होगा, बनियान पहनी होगी, तोलिया पहना होगा, रुमाल पहना होगा, सिर पे तेल लगाओगे, घर घर में दाल खाओगे, चावल खाओगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, अंडरवेयर, बनियान, टीवी, फ्रिज, कूलर, सारे प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिलेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि यार ये बोल क्या रहे हैं, मेरे को बोलने में सिर्फ आपने शोर मचाना है, सिर्फ आपने शोर मचाना है। उस शोर मचाने का तरीका क्या निकला कि आज HHA के अंदर जब मैं सुबह घर से उठता हूं तो उठते सारी चप्पल किसकी है, चप्पल किसकी है, जब वॉशरूम के अंदर जाते हैं हाथ साफ करते हैं तो हैंड वॉश किसका है, जब सिर पे तेल लगाते हैं तो किसका है, आज शेविंग क्रीम करते हैं तो किसकी है, क्रीम लगाते हैं तो किसकी है, साबुन लगाते हैं तो किसका है, शैंपू लगाते हैं तो किसका है, HHA का है या नहीं है, HHA का है या नहीं है, फिर इंटरवेयर पहनते हैं किसका है, फिर बनियान पहनते हैं किसका है, फिर उसके बाद जब हम अगरबत्ती के साथ धूप अगरबत्ती करते हैं बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, मेरे घर में सोए सोए आ जाते हैं हरे 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 हरे। आज मिशन वो पहुंच चुकी हुई है। उसके बाद हम दाल खाते हैं तो किसकी है, राइस ब्रैन ऑयल खाते हैं तो किसका है, अभी मस्टर्ड ऑयल भी आ चुका हुआ है। और सुनने की बात, इसी महीने में कैनोला ऑयल भी आ जाएगा और ऑलिव ऑयल भी आ जाएगा। और इसी महीने के अंदर चावल भी आ जाएंगे, नमक भी आ जाएगा। हेलो, तो फिर बच्चा क्या, फिर बच्चा खंड मिश्री टेंशन ना लो, पैसे वाले चले जानी है खंड मिश्री। तो ये कंपनी हिंदुस्तान के अंदर पहली वो कंपनी है, जैसे ऊपर सामने यहां पर बताया आपको, ये हमने सामान तो खरीदना ही है, सामान तो हम कहीं ना कहीं से खरीद कर लेकर ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर आज 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है, क्या कभी किसी को चवन्नी देती है, क्या चवन्नी देती है, कभी जिंदगी में आपको सम्मान मिला, कभी जिंदगी के अंदर एक रुपया मिला? कंपनी क्या बोलती है, HHA क्या बोलती है, लोगों का एक ही मतलब होता है कि भैया जी हमारे से लोग नहीं जुड़ते, हमारे से लोग पर, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हम बोलते हैं भाई साहब अपना 2,500 रुपए का राशन बदल दो। कितने का? 2,500 रुपए का राशन बदल दो, हम आपको 400 रुपए का सामान फ्री देंगे, तुम किसी को जोड़ो या ना जोड़ो हर महीने 400 का सामान फ्री देते जाओ। आपने देखा लोगों को सम्मान मिला या नहीं मिला? उसके बाद हम बोलते हैं अगर कोई आदमी 5,000 रुपए का सामान लेगा, 5,000 रुपए का सामान लेगा तो हम 800 रुपए का सामान फ्री देंगे। तो मिलना चाहते हो, अभी पंजाब का ये पहला सेमिनार है, फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया, और 19 साल की उम्र में जाने के बाद हमने जिंदगी के अंदर एक 50 गज का मकान बना पाए थे। मेरा बड़ा भाई मेहनत करके, मैं मेहनत करके, मेरे मम्मी पापा मेहनत करके 50 गज का मकान सुंदर नगर गली नंबर 1 लोहारा के अंदर, 50 गज का मकान, आज भी मेरा मकान वहां पर है। वो 50 गज का मकान, वहां पर लंटर भी नहीं डला करता था, लंटर भी नहीं डला करता था, कच्चा मकान हमने ऊपर बाले डाल के, ईंटे डाल के, ऊपर से प्लस्तर करके, एक कमरा, एक रसोई और बाहर में कच्चा बेड़ा। आज से बातचीत कर रहा हूं मैं लगभग लगभग 18-20 साल पहले की, 19 साल का मैं हुआ तो हम लोगों ने 50 गज का मकान बनाया। क्या वो बात मैं जिंदगी में कभी भूल सकता हूं? नहीं। क्या वो बात मैं जिंदगी में कभी भूल सकता हूं? नहीं। अगर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बातचीत करता हूं तो मैंने जिंदगी के अंदर 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी। कितनी क्लास? 8 क्लास बड़ी मुश्किल से जिंदगी में पास करी है। अगर मैं अपने बिजनेस की बातचीत करता हूं तो मैंने जिंदगी के 6 साल कपड़े की फेरी करी है। 6 साल मैंने जिंदगी के
गांव गांव में जाके कपड़ा बेचा है, पेंटे ले लो, शर्टे ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो, लेडीज सूट ले लो। क्या ये बात मैं जिंदगी में कभी भूल सकता हूँ? क्या ये बात मैं जिंदगी में कभी भूल सकता हूँ? अगर किसी यकीन ना आए, आज मैं जब बाहर जाता हूँ ना, जब मैं जाकर बाहर बोलता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हैं। पवन जी ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप बोल रहे हो। तो आज पर मैं अपने होम टाउन में बैठा हूं, कोई भी जाकर आज से 16 साल पहले का मेरा कैरियर चेक कर सकता है कि पवन उड़ा कपड़े की फेरी लगाता था या नहीं लगाता था। हेलो, आज से 16 साल पहले ये डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी के अंदर आई, इसी लुधियाना शहर के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी के अंदर आई। आज से 16 साल पहले मैं जिनके घर में कपड़ा बेचा करता था, उनके किसी बेटे ने एक बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उसने मुझे ऐसी एक मीटिंग के अंदर बुलाया, और उस मीटिंग के अंदर मेरे को यह बोलकर बुलाया गया था कि पवन जी एक बिजनेस है जहां पर आपकी 5-7 हजार रुपए महीने की सेटिंग हो सकती है। कितने रुपए की? एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5-7 हजार का महीना बहुत बड़ी बात होती है। होती है या नहीं होती है? Yes. होती है या नहीं होती है? Yes. 5-7 हजार का महीना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे को बोला गया पवन जी पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके 5-7 हजार का महीने का कमाया जा सकता है। आज से 16 साल पहले मैं भी एक ऐसी ही मीटिंग के अंदर बैठा था और मीटिंग के अंदर क्या बोला जा रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ जिसने मेरे को बुलाया था उसको बोल रहा था कुनी मार के यार वो बंदा बुला जिसने 5-7 हजार महीने की सेटिंग कर ली है। वो बंदा बता जिसने 5-7 हजार में महीने की सेटिंग करनी है। मेरी मीटिंग चली 1.5-2 घंटे मीटिंग चली। 1.5-2 घंटे मीटिंग चलने के बाद इसी यहां पर ही इसी लुधियाना शहर के अंदर मॉडल टाउन में उस कंपनी का ऑफिस हुआ करता था। मॉडल टाउन में ऑफिस हुआ करता 10 मिनट की स्पीच थी लास्ट में, 10 मिनट की स्पीच थी लास्ट में एक लड़के की जो बोलता है स्टेज पर आकर मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं पिछले लगभग 1.25 साल से ये कंपनी कर रहा हूं और मेरा जो पिछले महीने का चेक है वो है 13,24,472 रुपए का। जबरदस्त।